सो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सो अगर आपने स्टूडियो को अभी तक नहीं देखा है तो स्टूडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो यहाँ से स्टूडियो को देख सकते हैं। सो आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने के बाद आप अपने अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करके उसका पिन कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप अपने लिमिट को देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आपका अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ICICI की तरफ से इस तरह का मैसेज आ जाता है, डियर कस्टमर, इंपॉर्टेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड, योर अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इज अप्रूव्ड, प्लीज इनेबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन कार्ड टू यूज इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपको अपने अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के लिए उसे एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी यूज़र आईडी का पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। आपके रजिस्टर नंबर पर आपका एक यूज़र आईडी भी भेजा जाता है, इस तरह से एक मैसेज रहेगा, डियर कस्टमर, टू व्यू डिटेल्स ऑफ योर क्रेडिट कार्ड लॉग इन टू ICICIbank.com विथ योर यूज़र आईडी। तो आपको इसी यूज़र आईडी के मदद से सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा, उसके बाद आपको अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, उसके बाद आप गूगल पर आएंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है ICICI इंटरनेट बैंकिंग। इसे टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे और जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा उसे आपको ओपन करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको लॉग इन नाउ पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, इसे आप इस तरह से जूम करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर आपको गेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आप पेज को जूम करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर से पेज को जूम करेंगे और ऊपर यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में अपने उसी यूज़र आईडी को यहाँ पर एंटर करना है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आया था। फिर आप इसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर को एंटर करना है। ये दोनों एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको गो का एक ऑप्शन दिखेगा, इस गो पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके गो पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, पासवर्ड का सैंपल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक इसी तरह से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को नीचे आप कंफर्म करेंगे, फिर से आपको यहाँ पर गो पर क्लिक करना है। आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड योर ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना है। आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, फिर से आप इसे जूम करेंगे, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी पर क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी एंटर करेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने यहाँ पर जनरेट किया है उसी पासवर्ड को यहाँ पर देकर नीचे आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ICICI बैंक के इंटरनेट बैंकिंग का एक डैशबोर्ड आ जाएगा, इसे आपको जूम करना है। यहाँ से आप अपने वर्चुअल अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड को देख सकते हैं। यहाँ पर आपके अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड का नंबर भी लिखा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड पर कितना लिमिट मिला है तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका लिमिट बता दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मुझे इस कार्ड पर 260,000 रुपये का लिमिट मिला है। अपने इस कार्ड का सेवी कोड देखने के लिए आपको इसी कार्ड पर यहाँ पर मॉडिफाई लिमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा, फिर से आप इसे इस तरह से जूम करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मैनेज योर कार्ड और व्यू योर कार्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको व्यू योर कार्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको व्यू सेवी कोड का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, फिर नीचे आपको यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका फुल वर्चुअल अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड आ गया है, जिसमें आपके इस क्रेडिट कार्ड का नंबर भी लिखा है और इसका एक्सपायरी डेट भी लिखा है, साथ ही यहाँ पर आपका नाम भी लिखा होगा। अपने सेवी कोड को देखने के लिए यहाँ पर आपको व्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर सेवी कोड आ गया है। ठीक इसी तरह से आप अपने अमेज़न पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का नंबर देख सकते हैं, उसका एक्सपायरी डेट देख सकते हैं और उसका यहाँ पर सेवी कोड भी देख सकते हैं।
अब आप अपने इस अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड को किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं, खासकर अमेजोन के प्रोडक्ट परचेस करने में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड के पिन को जनरेट कैसे कर सकते हैं। पिन को जनरेट करने के लिए फिर से आपको इस तरह से जूम आउट करना है और यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में आना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर जनरेट कार्ड पिन का भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, डेबिट कार्ड पिन और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पिन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड पिन में आना है और यहाँ पर आपको जनरेट नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने 3 डिजिट का CVV नंबर देना है जिसे अभी आपने निकाला था। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। फिर से आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पिन जनरेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी 4 डिजिट का पिन सेट कर लेना है, उसी पिन को नीचे आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जनरेट नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा, द क्रेडिट कार्ड पिन हैज़ बिन जनरेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपके इस क्रेडिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। अब आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का यूज इस पिन से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्रिएट किया है, ठीक इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप चाहें तो अपने इस अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड को ICICI के आई पे मोबाइल ऐप से भी आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, पिन को जनरेट या चेंज कर सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद आपको 4 से 5 दिनों तक वेट करना है। 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर बाय पोस्ट आपके घर पर आपका फिजिकल अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड भी आ जाएगा। ठीक इसी पिन से आप अपने उस कार्ड को भी यूज़ कर पाएंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है नीचे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह खास वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए टेक्सैप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।